समझाते हैं बैटरी डुअल बैटरी सर्किट। और दोस्तों ये मैं आपको समझाऊंगा Redmi Note 10 11 Pro में। इसी का भी नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर U5501 वो 5500 है, ये 5501 है। ये आईसी पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ लगी हुई है, तो आप नोटिस कीजिएगा। ये आईसी आपके देखिए, एक चार्जिंग आईसी ये लगी है, एक चार्जिंग आईसी ये लगी है, दो दो चार्जिंग आईसी लगी है ना। आप SWI की लाइन पढ़ते थे, सिंगल वायर इंटरफेस, वैसा ही यहाँ पर आपको FG मतलब फ्यूल गेज I2C SDACL डाटा सीरियल क्लॉक की लाइन देखने को मिल रही है। अब ये लाइन कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले मैं ना इसी लाइन को क्लियर कर देता हूँ कि पहले ये लाइन कहाँ जा रही है, फिर मैं वीबैट की लाइन ढूंढूंगा बैटरी कनेक्शन। तो पहला आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो सेकेंडरी है, और जब यहाँ पर टिक करता हूँ यहाँ पर नोटिस कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी। ये देखिए मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट बनता है दोस्तों, और अगर आपको पढ़ना है इसी तरीके से डीप लेवल पे तो क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग। यार ये वीडियो ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं ना मेरा एक्साइटमेंट कैसा होता है, कमाल का होता है यार, क्योंकि इतनी एनर्जी के साथ अगर आप दिन निकालेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपका काम कैसा जाएगा, एकदम चकाचक बोले तो मस्का। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ MI 11 का डुअल चार्जिंग बैटरी का सर्किट। यार इस तरह की बैटरी यूज की जा रही है, दो दो बैटरी कनेक्टर, अभी लोग कंफ्यूज हैं यार, कहीं चार चार वोल्ट को 8 तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी आईडी की लाइन है उसमें भी आईडी की लाइन है, दोनों में बैटरी सेंस है, क्या है आखिर ऐसा, दो बैटरी क्यों देना पड़ा है MI को, कि जैसे कि आईफोन देता था डुअल बैटरी, अभी Xiaomi के सेटों में आ गया है। दोस्तों इसमें मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया, तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, और साथ में ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि फायदा आप ही का है। अभी आपको इतने सर्किट मिलने वाले हैं कि आपको मैं क्या बताऊं, और साथ में इस वीडियो को देखने से पहले एक बार MOSFET का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि MOSFET को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर MOSFET का वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो काफी आसान हो जाएगा। MOSFET के वीडियो नीचे लिंक में दिया हुआ है, बाकी आप वीडियो की टोटल लिंक में जाके भी इसको ढूंढ सकते हैं। अभी मैं हाल ही में 2-3 दिन पहले बनाया है इस वीडियो को, समझाते हैं बैटरी डुअल बैटरी सर्किट। और दोस्तों ये मैं आपको समझाऊंगा Redmi Note 10 11 Pro में, ठीक है, जो कि एक 5G हैंडसेट है। अगर मैं इसकी लेआउट की बात करूँ और इसके सिर्फ CPU की बात करूँ दोस्तों, तो आप इसमें नोटिस करेंगे इसमें जो CPU लगा है 6-7 आता था, यहाँ 6-8 आ रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट CPU यूज किया गया है, USB 3.0 आप देख सकते हैं, USB 2.0 का सपोर्ट है, USB 3.0 का सपोर्ट, हालांकि हम यहाँ पे इस क्लास में CPU को नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम समझेंगे अपना बैटरी कनेक्टर का क्या सीन है और दो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो दो बैटरी कनेक्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए इसको मैं पूरा बंद कर देता हूँ, ये देखिए। सो पहला बैटरी कनेक्टर ये है आपका, दूसरा बैटरी कनेक्टर आपका ये है, तो ये देखिए ये, तो ये आपका पहला और ये दूसरा, कोई भी दूसरे मतलब एक पहला दूसरा हो सकता है, अभी तो मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। यहाँ पर दो बैटरी कनेक्टर को दोस्तों एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बताया गया है। अगर मैं इसको टिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आता है, जैसे मैं इसको टिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पर आ रहा है सेकेंडरी, आप देखिए सेकेंडरी बैटरी कनेक्शन। तो पहला आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो सेकेंडरी है, और जब यहाँ पर टिक करता हूँ यहाँ पर नोटिस कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्राइमरी, ये देखिए प्राइमरी बैटरी कनेक्शन। तो मतलब दो है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। आप लगेगा सर प्राइमरी अगर काम करेगा सेकेंडरी नहीं भी लगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ फास्ट चार्जिंग सर्किट दिया हुआ है और आपको दोनों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में बैटरी सेंस नहीं करेगी, क्योंकि अब आप इस वीडियो को ही समझिए क्योंकि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं प्राइमरी सेंस की बात करूंगा, तो दोस्तों प्राइमरी सेंस में आपको क्या दिया हुआ है, सो आप देखिए प्राइमरी सेंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन आपको पहले आपको वीबैट मिलेगी, जो मेन एक वीबैट है। आप नोटिस करेंगे इस वीबैट के आगे ना 0, 1, 2, 3 कुछ नहीं लगा, मतलब ये एक ही लाइन है जो आपकी चार्जिंग आईसी के आउटपुट से बन रही होगी। और अगर मैं इसमें और बात करूंगा आपको, तो बाकी इसमें आप देखें ना आईडी की लाइन है, सिर्फ इसमें आपको सेंस की लाइन मिलेगी जो कि पैर डिफरेंस लाइन से वीबैट प्राइमरी सेंस और वीबैट प्राइमरी ग्राउंड, मतलब एक पॉजिटिव प्लस और एक पॉजिटिव माइनस की दो लाइन आपको मिल रही है जो एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। आप देखिए तो यहाँ पर ये जो वीबैट प्राइमरी सेंस लाइन है ये पॉजिटिव है
और ये वाली लाइन आपको ग्राउंड के साथ करेक्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये लाइन भी हम देखेंगे कहाँ है, तो आप याद रखिएगा कि ये दो लाइन इस तरह से बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पर इसको डायग्राम भी बनाऊं तो मैं इसका डायग्राम भी इस पर इसके बाद में इसको बना दूंगा, आप भूलिएगा तो मैं इस वीडियो में डायग्राम भी बना दूंगा। सो अभी ये जो वीडियो है स्कीमेटिक समझाने का वीडियो है। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिलहाल हमने इतना पढ़ा, अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना देखा दोस्तों कि प्राइमरी बैटरी कनेक्टर में किसी भी तरह का आपको थर्मल की लाइन या आईडी की लाइन नहीं दी है, आपको सेंस की लाइन दी है, वो भी प्लस में सेंस दिया है, जिसमें बी बैट सेंस पॉजिटिव और बी बैट सेंस नेगेटिव, और नेगेटिव की लाइन को ग्राउंड के साथ, पॉजिटिव की लाइन को ये दो लाइनें क्या काम करती हैं। अगर ये दो लाइनें अपनी आईसी से कनेक्ट नहीं होंगी, आईसी में एक ग्राउंड मिलना चाहिए और एक बी बैट का प्लस मिलना चाहिए, तो आपकी बैटरी सेंस नहीं करेगी और बी बैट की लाइन आपका मेन आउटपुट है। अब मैं बात करूंगा जो सेकेंडरी आईसी है वो क्या काम कर रही है, सेकेंडरी जो प्राइमरी बैटरी कनेक्टर है वो क्या काम कर रहा है। सो आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले बी बैट को पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए बी बैट सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है जहां तक कि मैंने सर्किट को पढ़ा है, यहाँ पे दो चार्जिंग आईसी एक यूज किए गए हैं, एक चार्जिंग आईसी का आउटपुट में बी बैट प्राइमरी डाला गया है और एक चार्जिंग आईसी के आउटपुट में बी बैट सेकेंडरी डाला गया है। और दोनों आईसीओ को दोस्तों आप कभी भी वोल्टेज को जोड़े तो वोल्टेज तो जुड़ता नहीं है, बट एम्पियर को जोड़े तो एम्पियर जुड़ता है और एम्पियर बढ़ जाता है। सो यहाँ पर एम्पियर को बढ़ाया गया है ताकि आपकी जो सर्किट है वो फास्ट चार्जिंग सर्किट में बदल सके, इसलिए यहाँ पे बी बैट प्राइमरी और बी बैट सेकेंडरी का यूज किया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको सेंस की भी लाइन है, क्योंकि हमें इस कनेक्टर का भी माइनस प्लस को सेंस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये कनेक्टर का माइनस प्लस सेंस नहीं होगा तो ये बैटरी आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। प्लस आपको यहाँ पर एफजी जिसको I2C HDA कहा गया है, मतलब ये फ्यूल गेज है, इसको कहते हैं फ्यूल गेज, एक I2C HDA, जैसे कि मैंने बोला अपग्रेड मोबाइल में 5G मोबाइल में जैसे कि आईफोन में था पहले, अब आप यहाँ पर भी आ गया है, जहां पर हम जैसे आईफोन में देखते थे ना आप SWI की लाइन पढ़ते थे सिंगल वायर इंटरफेस, वैसे ही यहाँ पर आपको FG मतलब फ्यूल गेज I2C HDA CL डाटा CL क्लॉक की लाइन देखने को मिल रही है। अब ये लाइन कहाँ जाएगी, तो सबसे पहले मैं ना इसी लाइन को क्लियर कर देता हूँ कि पहले ये लाइन कहाँ जा रही है, फिर मैं बीबैट की लाइन ढूंढूंगा, फिर हमारा एक क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने कनेक्टर बता दिया कि एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, सो सिंपल की बात है यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, आपको ये वाला सेंस की लाइन तभी चेक करनी है जब लो बैटरी का इन्फॉर्मेशन आए, बैटरी डिटेक्ट ना करे, और आपको ये बैटरी की लाइन सेंस चेक करनी है जब आपकी चार्जिंग नहीं हो रही हो कि भाई मेरा आउटपुट इस लाइन पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आपको ये HDSL की लाइन तब चेक करनी है जब आपका आईडी से रिलेटेड कोई फॉल्ट आए। तो अगर मैं इस लाइन को चेक करूं दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको स्टोर किया ऊपर, और स्टोर करने के बाद आप देखिए तो यहाँ पर देखिए दोनों ही लाइन के साथ यहाँ पर MOSFET यूज किए गए हैं। और अब अगर इन MOSFET को अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस MOSFET को समझ नहीं पाएंगे, अगर आपने मेरा MOSFET का वीडियो देख लिया है तो इस MOSFET को एक बार में बता देंगे कि ये एन चैनल है कि पी चैनल है। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ ये MOSFET दोस्तों एन चैनल MOSFET है, और दोस्तों एन चैनल MOSFET, एन चैनल में गेट हाई होना चाहिए, सो ऑब्वियस है कि गेट को हाई रखा गया है। आप नोटिस करेंगे दोनों का गेट को एक जोड़ा गया हुआ है एक रजिस्टर के थ्रू, जिसको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, ये देखिए और थोड़ा सा इसको माइनस करता हूं, ये देखिए। अब आप नोटिस कीजिएगा कि यहां पर MOSFET के दोनों गेट को, एक इसका गेट और एक इसका गेट को यहां पर जोड़ा गया है एक वोल्टेज के साथ, तो बेसिकली यहां पर एक 1.8 वोल्टेज यहां पे दिया होगा, और या तो इस वोल्टेज को निकालना पड़ेगा, तो या तो इस वोल्टेज को और मैं डिटेक्ट करूंगा तो मैं ये भी बता दूंगा कि 1.8 है या 2.8 है, क्योंकि VIO 33 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए गेट जो है दोस्तों ये हाई है, अगर ये हाई होगा तो ही ये MOSFET ड्राइव करेगा और वोल्टेज आगे बढ़ाएगा और आपके फ्यूल गेज के इस कनेक्शन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये MOSFET आपको कहाँ है, सो देखिए MOSFET में आपको दिखाना चाहता हूं, अगर ये MOSFET आपको कहाँ है, सो देखिए ये MOSFET आपको यहाँ लगे हुए हैं दोनों, तो कनेक्टर के नीचे लगे हुए हैं और ये आपके सेकेंडरी कनेक्टर के नीचे ये दो MOSFET हैं। अगर आपने ये MOSFET को निकाल दिए तोड़ दिए तो आपका जो एरर आ सकता है किसी भी आईडी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे HDSL की लाइन है फ्यूल गेज, और आपको टेम्परेचर का भी इशू देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये SCL HDA के थ्रू एक आईसी में जा रही होगी, CPU में डायरेक्ट नहीं जा रही, ये आपको किस आईसी में जा रही है मैं पहले ये आईसी आपको चेक कर दूं, ये देखिए। सो यहाँ पर इस तरह की आईसी में जा रही है, सर्किट में इस आईसी को अभी कुछ भी किसी भी नाम से यहाँ पर डाला नहीं गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इस आईसीओ के और भी सप्लाई को पड़ा है तो हम इस आईसी को समझ सकते हैं
तो यहाँ पर एक यूएसबी स्विचिंग आईसी लगाई गई है और यूएसबी स्विचिंग आईसी के अंदर ये एसडीएससीएल डाले गए हैं। सो आप देखिए यहाँ पर डीपीडीएम की लाइन भी आ रही है, एक वीसीसी इसको इन मिल रहा है और एक यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा वीसीसी इसको इन मिल रहा है और एक वीआईओ की लाइन दी हुई है जो आईएनटी जो कि आप जानते हैं कि सीपीयू से आती है और एसडीएससीएल इंटरप्टेड की लाइन है एसडीएससीएल जैसे कि बीक्यू में आती थी 6-7, 5-6-7 पर। और साथ में दोस्तों इन पर एक आप देखिए तो एक आपको डिवाइडर रजिस्टर भी देखने को मिलेगा और उसके साथ में ये लाइन ग्राउंड की गई है और ये ओबीपी ओबीपी मतलब आपका जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन उस आईसी से ये सर्किट यहाँ पर वीबस यहाँ पर इन हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा वीबस इन नहीं होगा, सो डिवाइडर का जो भी रूल है उसके हिसाब से जो यहाँ पर वोल्टेज बनेंगे वो वोल्टेज के साथ यहाँ पे इन होना चाहिए और डीएमडीपी यहाँ पर आपको जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से डीएमडीपी को बताया गया है कि यहाँ पर 1K के रजिस्टर यहाँ पर 200 ओम्स का रजिस्टर लगाया गया है, साथ में डुअल कॉइल आपको देखने को मिलेगी और ये 200 ओम्स के रजिस्टर के साथ ये डीएमडीपी बताएगा। हो सकता है कि आपकी यहाँ पर जो आईसी है ये क्योंकि मीडियाटेक का सर्किट है और मीडियाटेक के सर्किट में ये सीपीयू के अंदर जाता है, देखिए यहाँ से ये बाहर निकल रहा है और अगर मैं बात करूँ इस आईसी में जाने के साथ तो अब इस लाइन को मैं चेक करूंगा, देखिए यहां से कनेक्टर ये टेस्ट पॉइंट और आप नोटिस कीजिए यहां पर ये सीपीयू ये देखिए ये यूएसबी 2.0 का 2.0 वर्जन में सीपीयू में जा रहा है। तो अभी फिलहाल क्योंकि मीडियाटेक के सीपीयू के अंदर 3.0 का भी सपोर्ट है पर इस सेट में फिलहाल वो सपोर्ट एनसी दिया हुआ है, हो सकता है जो को हायर रेंज और लोअर रेंज की वजह से। तो यहाँ पर फिलहाल तो ये आपने देखा होगा कि भाई मैंने इस तरह के मॉस्फेट को आपको समझाया। अब अगर मैं इस कनेक्टर पे फिर से जाऊं यहाँ पर और यहाँ पर इसकी बी बैट, सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी बैटरी कनेक्टर में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि वो भी मैं आपको बता दूं कि वो किस आईसी से आ रही है। ये देखिए तो ये जो कनेक्ट ये है प्राइमरी, तो प्राइमरी में बीबैट को चेक करेंगे तो आप देखिएगा दोस्तों ये यहां से निकल रहा है तो मैं इसको माइनस करूंगा, ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी बीबैट लिखा हुआ है इसलिए वो यहाँ पे जा रही है। ये देखिए सो एक आईसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो आईसी है दोस्तों ये आपकी U55 अगर मैं आईसी बताऊं ये जो आईसी है ये है SC8551 और इस आईसी का डाटा शीट बना के मैंने अपने ग्रुप में डाला है, अगर आपको चाहिए तो मेरे ग्रुप से आप ये फ्री में मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस आईसी का पूरा डाटा शीट मैंने बनाया हुआ है और यहां से देखिए आउट हो रही है। इस आईसी को एक्सप्लेन किया जाए तो बीबस MID सेम वही चीज VAC एंटर करा, ओवरगेट यहाँ पर आ रहा है, ओवरगेट जो कि आपका OBP IC से होता है और ओवरगेट प्रोटेक्शन जो कि OBP IC के साथ में लगा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरह का। सो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ यहाँ पर एक कुछ चार्जिंग पंप सप्लाई यहाँ पर दी हुई है और उसके साथ INT SDSCL कुछ लाइनें यहाँ पर NCs की गई हैं, मतलब कैपेसिटर के साथ में सीरीज में लाइन है। देखिए सीरी यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्जिंग ड्राइव की और भी बहुत सारी कुछ अलग अलग सप्लाई यहाँ पर हो सकती है, ग्राउंड की सप्लाई है यहाँ पर बैटरी एंड मतलब बैटरी प्राइमरी। देखो अगर इसमें बात करूंगा इस आईसी के अंदर बैटरी प्राइमरी सेंस पॉजिटिव नेगेटिव और बीबैट तीनों लाइन आ रही है, ये रीजिंग की सप्लाई है जो कि घूम घाम के ACIC में वापस आ जाती है। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा तो ये सप्लाई यहाँ पर NC दे दी है। सो दोस्तों ये आईसी कहाँ है तो ये आईसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये देखिए सेट में यहां पर लगी हुई है। पर अगर मैं बात करूं सेम ऐसी एक और आईसी आपको और देखने को मिलेगी, अभी आप फिलहाल ध्यान रखिएगा यहां पर आपको U3100 के नीचे एक चार्जिंग आईसी मिल गई है। अब यहां पर एक चार्जिंग आईसी और दिखाता हूं क्योंकि ये तो मैंने सेकेंडरी प्राइमरी बैटरी दिखाया था, अब सेकेंडरी बैटरी को मैं दिखाता हूं तो नोटिस कीजिएगा यहां पर सेकेंडरी बैटरी का यूज किया गया है। तो सेकेंडरी बैटरी कनेक्टर अब यहां पर मैं इसको डबल टिक करूंगा और इसको आगे ले जाऊंगा, ये टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर और ये देखिए तो आप नोटिस कीजिएगा एक आईसी और मिल गई है, मतलब यहाँ पे दो चार्जिंग आईसी हो गई। अभी ये आईसी का भी नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर U5501 वो 5500 है, ये 5501 है ये आईसी। पहले मैं बता देता हूँ ये कहाँ लगी हुई है तो आप नोटिस कीजिएगा ये आईसी आपके देखिए एक चार्जिंग आईसी ये लगी है, एक चार्जिंग आईसी ये लगी है, दो दो चार्जिंग आईसी लगी है, 5G का सर्किट है, दो बैटरी कनेक्टर है, यार क्या क्या दिया हुआ है और जबकि बहुत समझा जाए तो बहुत इजी है।
ठीक है। ऐसा ही हम अपने अपडेट में आने वाले स्टूडेंट को, बैकअप में आने वाले स्टूडेंट को ये 5G सर्किट देने वाले हैं, और ये हमारा उनसे वादा है कि जब भी आप आएंगे तो ये सर्किट को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, कोशिश ये रहेगी, क्योंकि बैकअप दोस्तों एक बार नहीं रहता, हम क्या एक बार आए, आपको बैकअप में यार बहुत बार आना है, क्योंकि जितना आप अपडेट होंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, सेम सर्किट वैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर वीवेट आउट में बैटरी सेकेंडरी, और सेम यहाँ पर बैटरी सेकेंडरी का सेंस लाइन दिया हुआ है। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको 5G सेट का डुअल बैटरी सर्किट, जिसमें दो चार्जिंग आईसी, एक 5G 6.8 आईसी के साथ में MI नोट 11 प्रो। अगर मैं बात करूँ इस मॉडल को, तो ये मॉडल है आपका, अगर मैं मॉडल की बात करूँ, हाँ MI नोट 11 प्रो को मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। सो बताएगा जरूर, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता है दोस्तों, और अगर आपको पढ़ना है इसी तरीके से डीप लेवल पे तो क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है ये। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वन स्टेशन।